हाय एम्पियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो खैर, हर बार ऑफलाइन में कुछ कहानियाँ सुनाया करते थे हम हर संडे उनडे को, जब क्लासेस हुआ करती थी तो ठीक है, मंथ में एक बार हो ही जाता था। तो खैर, अभी तो आप लोग ऑनलाइन हैं, आपको पता भी नहीं है कि सर कहानी भी सुनाते हैं, तो इसलिए रिक्वेस्ट विक्वेस्ट भी नहीं आया। हमने सोचा चलो अपने मन से सुना दिया जाए, और कहानी वही है जो आपने कहानी सुन रखा होगा, बस उसका हम सार एक नए तरीका से आपके सामने रखेंगे, आपके समक्ष। देखिए, हमारा जो इतिहास रहा है भारत का गौरवपूर्ण, उसमें एक इतिहास का एक समझिए कि पहलू आता है महाभारत। ठीक, महाभारत आपने अक्सर सुन रखा होगा, देख रखा होगा टेलीविज़न पे, जहाँ से भी हो सुन तो रखा होगा। उसमें एक पात्र का जिक्र आता है, अभिमन्यु, जो हमारे अर्जुन के पुत्र थे। ठीक, देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो अभिमन्यु थे वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े वीर योद्धा थे, और उनका मन में बहुत कुछ अद्भुत शक्तियाँ मिली हुई थी उनको। उनके पास ये क्षमता था कि जो अपने जब वो अपने माता श्री के गर्भ में थे, उस दौरान ही उनकी माता श्री जो सुनती थी वो सुन लिया करते थे। तो एक बार जब अर्जुन थे, अभिमन्यु के माता श्री को बता रहे थे कि एक चक्रव्यूह जो होता है उसको भेदते कैसे, उसको तोड़ते कैसे, उसको बाहर कैसे निकलते हैं। ठीक, जब वो कहानी सुना रहे थे, कला सिखा रहे थे, बता रहे थे कला के बारे में कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ते हैं, तो जब तक अर्जुन ने यह बताया कि कला का मतलब जो एक चक्रव्यूह है उसको तो भेदते हुए अंदर कैसे जाते हैं, तब तक तो उनकी माता श्री, जो अभिमन्यु की माता श्री थी, वो जगी हुई थी। लेकिन जब अर्जुन ये सिखा रहे थे कि वो चक्रव्यूह को भेद के बाहर कैसे निकलते हैं, तब जो अभिमन्यु की माता श्री थी उनको नींद आ गया और सो गई। तो अभिमन्यु को बस ये ज्ञान प्राप्त हुआ वहां से सुन के कि चक्रव्यूह को भेदते कैसे हैं, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलते हैं, ये ज्ञान उनका अधूरा रह गया। और इत्तेफाक तो देखिए, आने वाला जो उनका दौर था कुछ ऐसा लाया कि युद्ध छिड़ा, आपको भी पता है, उस युद्ध में कुछ ऐसा मजबूरी क्रिएट हुआ, कुछ ऐसा सिचुएशन आया जब अभिमन्यु को युद्ध में उतरना पड़ा। जब वो अभिमन्यु युद्ध में उतरे थे तो हमें कन्फर्म पता नहीं, लेकिन उनका माना जाता है कि 16 से 14 साल के शायद एज रहा होगा उनका। उस बाल्यावस्था में उन्हें युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा था और वो बहुत वीर योद्धा थे। और वो चक्रव्यूह को तोड़ने चले गए, और वो चक्रव्यूह बहुत भयंकर में रचा गया था। उस चक्रव्यूह को उन्होंने भेद दिया क्योंकि उन्होंने सुन रखा था अपने पिताश्री से, जब माता के अपने गर्भ में थे तभी, और भेदते हुए वो अंदर दाखिल हो गए, इसमें अंदर चले गए। लेकिन जब उसे भेदने के बाद जब बाहर निकलने की बारी आई, वो कला उन्हें ज्ञात नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय उनकी माता श्री जब अर्जुन सुना रहे थे कहानी, तब सो गई थी, जिसके वजह से गौरव ने उनकी निर्मम हत्या कर दी, जिसकी वजह से वो वीरगति को प्राप्त हुई। इस कहानी का सार ये है बाबू, कि अगर आप ज्ञान का एक पहलू भी छोड़ देते हैं अपने जब सीख रहे हैं, जिस जो आपका शिक्षा का पीरियड है, तो आपको आपका जो भविष्य है आपसे कहीं ना कहीं हिसाब मांगेगा, आपसे कहीं ना कहीं जवाब मांगेगा कि आपका क्या छूटा है। तो इसलिए ज्ञान ये है कि आप उसको मार्क्स के लेके ना दौड़े कि MCQ क्या करना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है। ज्ञान लीजिए बाबू, सीखने का कोशिश कीजिए। आप जितना ज्ञान ले सकते हैं उतना लीजिए। आपका जो अभी का ज्ञान है, जो 10 क्लास की किताबें हैं जो आपको सिखा रही हैं, वो तो सीखिए। लेकिन नहीं, आप क्या चाह रहे हैं सर? सिलेबस रिड्यूस हो जाए तो मज़ा आ जाए। क्या कीजिएगा सिलेबस रिड्यूस हो जाने के बाद से बाबू? आप भविष्य हैं, हम भविष्य हैं भारत के। क्या भविष्य ऐसे चलेगा सिलेबस रिड्यूस करके? ठीक है भाई, सिलेबस रिड्यूस करके 90 ला भी दिए, क्या करेंगे उसका हम? 90 का क्या कर लेंगे? 90 लेके हम कुछ कर पाएंगे? 90 से देश चलेगा, या हमारे ज्ञान से चलेगा, हमारा जो कर्तव्य रहेगा उससे चलेगा? तो नहीं। आज हमें क्या चाहिए सर? सिलेबस रिड्यूस होना चाहिए सर, सिलेबस रिड्यूस होना चाहिए। आप सबका हम हर तर्क मानने को तैयार हैं कि सर ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपने कितना फर्ज निभाया? आज सब सुविधा तो है ऑनलाइन, अरे छोड़िए ऑनलाइन, किताबें तो हैं आपके पास, किताबों से बाहर ज्ञान क्या होता है? टीचर क्या करते हैं? किताबें आपने प्रयास किया, आपने कोशिश की किताबों को समझने की? नहीं, आप तो लगे हुए हैं इंतजार में कि सर सिलेबस रिड्यूस हो जाए तब हम पढ़ें। अरे भाई, सिलेबस रिड्यूस हुआ भी तो क्या रिड्यूस हुआ? आगे तो आपको जाके जीवन काल में वो जरूरत पड़ेगा ही, आप 11-12 में उसको जरूरत पड़ेगा। चलिए, नाम माना कि हमें 11-12 नहीं जरूरत पड़ा, चलिए हटा देते हैं हम इस बात को। आपका भविष्य जब आपसे जवाब मांगेगा उस बात का, क्या जवाब देंगे आप?
आप सोचिए कि आप भविष्य के डॉक्टर हैं, आप भविष्य के इंजीनियर हैं, आप भविष्य के पूरा IAS ऑफिसर बनने वाले हैं, आप भविष्य का प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, कैसे बनिएगा? ऐसे चलेगा? देश है हमारा भाई, आप सब में से ही कोई डॉक्टर बनेगा। आज सोचिए, आज महामारी आई है हमारे पास, कितना हम लोग देखा कि कितना तहस नहस हुआ हमारे भारत में। हम लोग सक्षम थे? नहीं सक्षम थे बाबू, उतना मेडिकल को लेके हम लोग में, अगर सक्षम रहते तो जितना आज डेट हुआ है शायद कम होता। ऐसे सक्षम बनाएंगे हम लोग कि सिलेबस रिड्यूस होना चाहिए, सिलेबस रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, आज गवर्नमेंट हमारा मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता बाबू। गवर्नमेंट मजबूर है कि वो इंजाम नहीं ले सकता, अभी चीज़ें जो चल रही हैं, सिलेबस उसको रिड्यूस करना भी पड़ गया लास्ट में, क्योंकि क्लासेस नहीं चली है। लेकिन क्या है, आप बताइए, आपका जब भविष्य में हम लोग का कभी कुछ ऐसा होता है, क्या हम लोग उसके लिए तैयार होंगे जो आज अपना हम लोग बर्बाद कर रहे हैं? नहीं, हम लोग क्या है तो हम लोग बहाना ढूंढ रहे हैं। क्यों पढ़े भाई हम, क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि देश आपका है भाई, देश आपसे जवाब मांगेगा। आप देश के भविष्य हैं, हम देश के भविष्य हैं, हम आपसे मिलके ये देश बनेगा कल। ये सिलेबस रिड्यूस करने से नहीं बनेगा, समझ में आया? हम भी चाहते बाबू यहाँ बोल देते सिलेबस रिड्यूस होगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता। आप आते अच्छा अच्छा कमेंट करते, सर ये अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, क्या मिलता है इससे हमें? कल जब आपको जरूरत पड़ता, जब इस ज्ञान की आवश्यकता पड़ती, तब क्या बोलते आप हमें? क्यों, कैसा सर थे, हमें क्या सिखा दिए किसने? बस आप नहीं समझ रहे हैं, आपका अभी जो उम्र है बहुत नाजुक है, बहुत चीज़ें आपको समझ नहीं है। आपको अभी अच्छा लग रहा है कि सिलेबस रिड्यूस होगा, एग्जाम नहीं हो तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, वो भविष्य आपसे तकलीफ में पड़ जाएगी आपका, भविष्य में क्या कीजिएगा? ज्ञान नहीं रहेगा तो पढ़े क्यों रहे हैं? ज्ञान लेने के लिए ना, तो ज्ञान ही नहीं लीजिएगा तो पढ़ना क्या फ़ायदा हुआ आपका? तो वही बात हो गई कि ना पढ़ा, पढ़ा बराबर हो गया। तो आप लोग नहीं, आपकी क्या अपेक्षाएँ हैं? सर सिलेबस रिड्यूस हो। और एक कहानी है, छोटा सा तक आपको सुनने मिलेगा, अच्छा लगेगा आपको, सुन लीजिए। आप लोगों ने अक्सर ग्रेविटी के बारे में सुन रखा होगा, गुरुत्वाकर्षण के बारे में सुन रखा होगा, सुना है तो न्यूटन्स के बारे में सुन रखा, न्यूटन के बारे में तो एटलीस्ट सुना है। गुरुत्वाकर्षण बोल के एक सत्ता होती है जिसके वजह से हम लोग का कोई भी पदार्थ नीचे गिर रहा है, ये आपने सुन रखा होगा अक्सर। ठीक है, इसका जो खोज हुआ था पता है कब हुआ था? ये भी एक महामारी के दौरान ही हुआ था, उस समय भी एक महामारी आया था जब ये ग्रेविटी का खोज हुआ था। उस समय महामारी के वजह से 2-3 साल सब चीज़ बंद रहा था। उस बंदी में उस सब चीज़ जब रुका हुआ था, उस दौरान न्यूटन ने ग्रेविटी का खोज किया। हम लोग क्या खोजने में लगे हैं? तरीका खोज रहे हैं सर, सिलेबस कैसे रिड्यूस हो, ऐसे बनाएंगे हम लोग भविष्य अपना, ये होगा भारत का भविष्य। तो ये सबसे दिमाग हटाइए बाबू, बहुत यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेंगे सिलेबस रिड्यूस। ठीक है भाई, रिड्यूस हुआ भी तो हुआ, क्या किया, क्या किया, क्या करोगे उस सिलेबस रिड्यूस हो जाने के बाद से? आपको 11-12 पढ़ना है, जीवन में आपको चलना है तो ज्ञान लेके ही। ठीक है, रिड्यूस होगा देखेंगे, क्या मतलब होता है उस चीज़ से? आज हमको पढ़ना है, पढ़ तो ले, समझ में आया? तो आप सब बाबू भविष्य हैं, आप ही भारत के भविष्य के डॉक्टर हैं, भारत के भविष्य के इंजीनियर हैं, तो आप ऐसे ना बनाएं भविष्य को। आप सोचिएगा सर हमसे एक से क्या होता है, आप एक से ही होता है, हम एक से ही होता है, हम सबसे ही मिलके ये देश बनाया बाबू। तो इस देश को हमें लेके चलना है बाबू। हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम भारत के वासी हैं, भारत महान देश है, तो इसको महान बनाना भी तो है। तो इसको बनाने के लिए हमें आपको ईमानदारी से अपना फर्ज पूरा करना होगा। इस फर्ज पूरा आपका अभी फर्ज क्या है, आपका अभी कर्म क्या है, आपका धर्म क्या है? आप अपना ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, आप अपना 100% दीजिए। एग्ज़ाम क्या है क्या नहीं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू उससे। आप अगर रियल लाइफ में जब आगे जाएंगे भविष्य में, तो आप ये खुद आप एहसास करेंगे कि 90% लाने वाले भी ऐसे ही बैठे हुए हैं, और कोई कोई फेल होके भी इतिहास रच गया, कोई फेल होके भी करोड़ों का कंपनी चला रहा है, 90% वाले रोजगार के लिए दौड़ रहे हैं। तो परसेंटेज और मार्क्स से बाबू हम लोग का नहीं कुछ तुलना किया जा सकता। ज्ञान आपका जो वहाँ पे सीखिएगा वो आपका भविष्य बनाएगा, डिग्री आपका भविष्य नहीं बनाएगा। तो डिग्री के चक्कर में ना पड़े कि हमको सर सिलेबस कम होगा, सिलेबस ठीक है वो पैमाना है, एक नंबर नापने का, ठीक है देखेंगे ना उसको। ज्ञान लीजिए, ना कि अभी आप इस चक्कर में पड़ रही है सिलेबस रिड्यूस होगा, सिलेबस रिड्यूस होगा। और आप उन सब जो भी यूट्यूबर हैं, जो भी टीचर हैं, उन सबको भी देखना छोड़ दीजिए, उन सब पे भी ध्यान मत दीजिए जो ये बात आपको बोल रहा है सिलेबस कम्प्लीट कम होगा, ये होगा वह होगा, होगा देखेंगे। ठीक है, होगा तो आपको पता चल जाएगा, होगा तो ठीक है,
हम उसको उस समय थोड़ा सा स्किप आउट करेंगे, बाकी सब सिलेबस को अपने तगड़ा रखेंगे। अभी तो हम तैयारी कर लें, नहीं अभी तो हमें सिलेबस कम कराना है, क्या मिलेगा सिलेबस कम करा के? तो बाबू आप भविष्य के डॉक्टर हैं, जो श्वेता ने कमेंट किया था सर सिलेबस कम होगा, वही भविष्य के डॉक्टर है। हम भविष्य के कुछ बन सकते हैं, आप भविष्य के कुछ बन सकते हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया था सर हमको बायोलॉजी लेकर पढ़ना है, बाबू आप भविष्य के डॉक्टर हैं, समझे? कल आपका आप पे हज़ार आदमी डिपेंड करेगा, हज़ार आप पे भरोसा करेगा कि हमारा जान डॉक्टर साहब बचा लेंगे। कैसे बचाइएगा आप? ऐसे बचाइएगा सिलेबस रिड्यूस करके? मालूम चला किडनी का टॉपिक आया, किडनी तो आपने रिड्यूस करा दिया था, किडनी के बारे में तो पढ़ा ही नहीं था, फिर क्या होगा? इंजीनियर साहब बनना है, इंजीनियर लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है, ले हाइट एंड डिस्टेंस। इंजीनियर साहब का तो ट्रिग्नोमेट्री छूट गया था, सिलेबस रिड्यूस हो गया था, उस साल तो एग्जाम ही नहीं हुआ था, क्या कीजिएगा? पुल कितना दिन टिकेगा? गिरेगा नहीं, तो किसका नुकसान है, कितना जानमान का हानि होगा? तो आप सब भविष्य है बाबू, अपना फर्ज को समझिए, फर्ज को समझते हुए अपना कर्म कीजिए, ना कि ये सब चक्कर में पड़िए कि सिलेबस रिड्यूस होगा या होगा, वह ठीक है होगा देखेंगे, ठीक है? यही बात हमसे आपसे करनी थी, पता है कुछ कड़वाहट लगी होगी आपको, सर आप तो अलग बोल रहे हैं, सब कुछ अलग बोल रहे हैं। देखिए बाबू हम अपना फर्ज समझते हुए आपके सामने ये अपना विचारधारा रखे, और हमें उम्मीद है कि जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे, इतना देर हमसे समझे होंगे, वो बातों को हमारे समझेंगे, ठीक है? और आपसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि आज तक हमने कभी कुछ नहीं बोला इस तर्क को लेके, लेकिन आज बोल रहे हैं पर्सनली, आपके जो भी दोस्त बंधु हैं उसके साथ पार्टिकुलर ये वीडियो साझा कीजिए, उसको बोलिए बस देख लेने, उसके बाद आके उसको जो मर्जी करे, हमें कुछ नहीं लेना देना। हमारा बस ये मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ को समझें कि सिलेबस रिड्यूस के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है? एग्जाम होगा नहीं होगा कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको उससे, आप देश के भविष्य हैं, आपसे देश बनेगा, हमसे देश बनेगा। कल हमारा गर्व से भारत आज भी महान है, कल भी महान रहना चाहिए, कल भी महान रहे इसका निर्णय कौन करेगा? हम आप करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।